यार कोहली को सैयद अरसलान पूछ रहे हैं कि कोहली को दो बार आउट करके कैसा लगा। यार अच्छा ही लगा क्योंकि आपको पता है अच्छा बैट्समैन है और उसको आउट करके अच्छा लगा। थैंक यू यार, सबकी दुआएं थी, अल्लाह ने पाकिस्तान को जितवाया और आप सब इस टाइम प्राउड फील कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। बस दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए ऐसा ही करवाता रहे और पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ मिलती रहे। वकार हैदर आमिर भाई, विच इज़ द बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? यार पहली तो बेस्ट मोमेंट थी कि जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप और चैम्पियन ट्रॉफी जो भी हम जीते हैं। रोहित शर्मा वंस सेड दैट आमिर इज़ एन ऑर्डिनरी बॉलर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? यार हर बंदे का ओपिनियन है और मैं बस कर रहा हूँ अपना, अपनी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। कोई मुझे बड़ा कहता है बॉलर, या कोई अच्छा कहता है या ऑर्डिनरी कहता है, आई थिंक ये चीज़ें क्रिकेट में हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। इमाद के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? इमाद यार मेरा अच्छा टीममेट है और उसके साथ मैं अंडर 19 भी खेला हूँ पेशावर जलमी से। यार अभी तो कराची किंग्स ही खेल रहा हूँ, देखो आगे क्या होता है। मेरी फेवरेट विकेट चैंपियन ट्रॉफी में यार तीनों ही थी जो फाइनल में थी, धवन, शेखर और उसकी क्या कहते हैं रोहित शर्मा की। धोनी, यार धोनी बड़ा हम्बल इंसान है और बहुत अच्छा आई थिंक क्रिकेटर रहा है इंडिया के लिए, और कैप्टन भी बड़ा अच्छा है। आई थिंक अच्छा अच्छा क्रिकेटर है वो। शुएब मलिक मेरे फेवरेट हैं और उनकी मैं हमेशा बड़ा रिगार्ड करता हूँ। चौधरी आसिफ पूछ रहे हैं कि जी मैं कश्मीर कब आऊँगा? यार कश्मीर जब पाकिस्तान, अभी तो पाकिस्तान नहीं आया तो कश्मीर कैसे आऊँगा? उस्मान खालिद साहब पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान कब आऊँगा? पाकिस्तान यार अभी तो मैं काउंटी खेल रहा हूँ और सितंबर के एंड पे फ्री होऊंगा, तो फिर उस इंशाल्लाह उसके बाद। आदि मलिक पूछ रहे हैं कि किसको देख के क्रिकेट? यार मैंने वसीम भाई को, वसीम अकरम को, और मेरे हमेशा से जो हैं वो फेवरेट रहे हैं रोनी को देख के। जी मुसद्दक अहमद, व्हेन कोहली वाज ड्रॉप? यार कोहली का जब ड्रॉप हुआ था कैच, आपको पता है कि वो अच्छा बैट्समैन है और वो हमें कॉस्ट भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अगली गेंद पे आउट हो गया। आसिफ सैयद पूछ रहे हैं हु इज़ टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल? आई थिंक जब मेरा डेब्यू हुआ था उस टाइम जब मैं खेल रहा था, तो शेन वॉटसन, और इस टाइम जो मुझे लगता है स्टीवन स्मिथ, क्योंकि उसकी टेक्निक बड़ी ऑकवर्ड सी है, पता नहीं चलता कि वो क्या करेगा। जब आपने कोहली को आउट किया मैं टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। नहीं फजल जान साहब कंट्रोल में रहा करें, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में सब कुछ होता है और क्योंकि किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, लेकिन कंट्रोल में रहा करें। खुशियां सबको अल्लाह बस नसीब करे, लेकिन आई थिंक अपनी पर्सनैलिटी में कंट्रोल लाना चाहिए, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जब हारते हैं तो बहुत ही मायूस हो जाते हैं। आई थिंक गेम को गेम समझना चाहिए। आसम इकबाल साहब पूछ रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ दोस्ती रही प्लीज़? जी जी बिल्कुल रही है उनके साथ, अभी भी है उनके साथ कॉन्टैक्ट रहता है मेरा। अच्छा जी खुर्शीद साहब पूछ रहे हैं मिस यू आमिर भाई, कम बैक पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह सितंबर में जब काउंटी ख़त्म होगी तो ज़रूर आऊँगा। और बैटिंग में यार मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ बैटिंग की, और जैसे मौका मिलता है जितना कर सकता हूँ वो करता हूँ। महीन पूछ रहे हैं कराची कब आएंगे? हाउ कैन वी मीट यू? यार कराची मुझे, मैं पहले मैंने जैसे बोला अभी तो मैं पाकिस्तान नहीं आया तो कराची कैसे आऊँ, तो जब पाकिस्तान आऊँगा तो मैं सबसे तो नहीं मिल सकता, लेकिन जिसको आई थिंक जिसकी किस्मत या मेरी किस्मत जिस फैन से मैं मिल लूँ या मुझसे मिल ले, तो क्योंकि हम आपको पता है कि हम बिजी होते हैं। मुबशर अली, आमिर भाई अल्लाह की कसम आप बहुत कमाल हो आप। यार मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का करम है और बस आपकी दुआएं, अल्लाह ऐसे ही रखे और आप लोग दुआएं करते रहें और अल्लाह ऐसे ही परफॉर्म करवाता रहे। रोशान पूछ रहे हैं इंडियन बैट्समैन कौन सा पसंद है? कोहली, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो अच्छा बैट्समैन है, वर्ल्ड में उसका काफ़ी चल भी रहा, आपको पता ही है ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो इंडिया में भी आई थिंक वही है इस टाइम। व्हाट यू थिंक अबाउट हसन अली बॉलिंग इन चैंपियन ट्रॉफी? यार हसन अली जैसे आपको पता है कि उसने बहुत अच्छा किया है। ये मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पूछ रहे हैं उसने बहुत अच्छा किया और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान 2-3 सालों से बड़ा स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ में, लेकिन ये अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। रहील अहमद, इट सीम लाइक समथिंग होल्डिंग यू बैक, वट इज़ इट? यू आर वेरी गुड बट बाय। यार अभी तो देखो जादू की छड़ी तो है नहीं, अभी मुझे 5 साल के बाद अभी साल हुआ है खेलते हुए, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब सही हो रही हैं इंशाल्लाह। देखो अल्लाह खैर करे आपको, जैसे जैसे बेहतर परफॉर्मेंस होती जाएगी तो खुद ही सब कुछ आपको नज़र आएगा। मीर नवाज साहब,
नहीं यार, मेरी वजह से नहीं, बिल्कुल मेरी वजह से नहीं, पूरा टीम एफर्ट था, सबने अच्छा किया, बैटिंग में भी सबने अच्छा किया, बॉलिंग में भी, तो ये एक टीम एफर्ट था और मैंने भी अपनी ट्राई की और अल्लाह ने वो करवाया मेरे से। शरियार शेख साहब पूछ रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल जीत सकते हैं इंशाल्लाह, और जैसे चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, अगर ऐसे ही मोमेंटम रहा, ऐसे ही लगन रही, तो इंशाल्लाह 2019 का भी वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत सकते। बाल दोबारा कब आउट करना है कोहली? कोहली को यार जब मैच खेलेंगे, अल्लाह करे दोबारा भी आउट कर दूं मैं, बस आप दुआ कीजिएगा। अनायत नज़ीर, लव फ्रॉम कश्मीर। यार कश्मीर के लोगों के बड़े मैसेजेस आते हैं मुझे, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों का बहुत प्यार है, बस इसी तरह दुआएं करते रहें, सपोर्ट करते रहें हमें। गनी खान साहब, चैंपियन ट्रॉफी की जीत से आपने हमारी ई ट्रिपल कर दी, अच्छा चलो यार थैंक यू वेरी मच। हुमी शानी, मैं भी लंदन में हूँ तो अच्छी बात है, एंजॉय करें लंदन के वेदर को, मज़ा आएगा आपको। अवैस बेग, यू आर टू मच ब्यूटीफुल क्रिकेट ऑफ क्रिकेटर ऑफ। नहीं यार मैं टू मच कोई नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार है। ऐसा पूछ रहे हैं आमिर भाई, हु इज बेस्ट बैट्समैन, डिविलियर्स और कोहली? यार दोनों ही अच्छे हैं, मतलब दोनों ही डेंजरस प्लेयर हैं, जैसे आपको पता है कि डिविलियर भी है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि कोहली अच्छा बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है। उसामा पूछ रहे हैं कि मैच फाइनल वाले दिन आप क्या सोच रहे थे, पॉजिटिव थे या नर्वस? यार बंदा पॉजिटिव ही होता है, नर्वस डोंट थिंक सो, क्योंकि यार कितने अरसे से खेल रहे हैं सारे जो प्रोफेशनल होते हैं, नर्वस नहीं होता, बंदा प्रेशर होता है कि यार मैच जीतना है, और प्रोफेशनल वही होता है जो नर्व्स को कंट्रोल करता है और एंड ऑफ द डे परफॉर्म करता है। शहजाद मुगल, सलाम आमिर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वसीम अकरम एज अ कोच ऑफ पाकिस्तान? यार वसीम भाई बहुत ग्रेट है मेरे, और ये मैं क्या बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की कोचिंग का, ये तो जो हमारे बड़े हैं वही बता सकते हैं, लेकिन वो ग्रेट बॉलर हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के कैंप्स में भी वो काफ़ी उन्होंने जूनियर्स की हेल्प की है, मेरी भी, तो मैं तो हमेशा उनको बहुत एडमायर करता हूँ। अदनान शाह, आमिर भाई कौन सा बैट्समैन को आउट करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है? यार मेरे लिए तो सारी बैट्समैन होते हैं, और जिनको भी आउट करूँ मुझे खुशी होती है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो बॉयज़, यार मुझे अभी जाना है, थोड़ा सा काम है, और बड़ा अच्छा मज़ा आया आप लोगों से, काफ़ी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, अभी मैंने कहीं जाना है, छोटा सा काम है, सो प्लीज़ बड़ा मज़ा आया, और ऐसे ही दुआ कीजिएगा, और पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, और अल्लाह मुझे भी ऐसी परफॉर्मेंस कराए, और पाकिस्तान की तरक्की में मैं जितना भी इजाफा कर सकूँ वो करता रहूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।